समस्या तो देश के लिए कांग्रेस बन गई है, समस्या तो देश के प्रदेश के लिए सपा और बसपा बनी हुई है। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है, और किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है। सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही मत प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां दंगा भड़काने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इनके भड़कावे भड़काने का किसी भी साजिश के उसमें ना करके पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये जन विश्वास यात्रा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है, और आपसे यही कहने के लिए हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी किया, जनता को सुरक्षा भी दी और आपकी आस्था का सम्मान भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? और क्या बहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों बहनों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे वे मंदिर क्या बनाते? और मैं यही पूछने के लिए आया हूं, फिर एक कांग्रेस को क्यों ढोने ढो रहे थे? अब ढोने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को अब ढोने की आवश्यकता नहीं, जनता अपने आप उसको उसकी दुर्गति तक पहुंचा चुकी है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या भगवान राम का मंदिर बनाते? पक्का विश्वास है आपको? भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो, मैं जानता हूं राकेश प्रताप सिंह अपने यहां हर दिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अखंड रामायण का पाठ करके ये कांग्रेस में थे, एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, और निमंत्रण देने के लिए आए एक किसान, मैं रामायण का पाठ करा रहा हूं, मैंने कहा भी आप तो कांग्रेस में हैं, इन्होंने कहा भूल से मैं कांग्रेस में चला गया। मैंने कहा भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस का नेतृत्व तो राम को मानता ही नहीं, क्योंकि वहां का नेतृत्व कहता राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, तो फिर अखंड रामायण का पाठ कैसे हो रहा है? भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कांग्रेस की विदाई करने के लिए